नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैणी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते अमरीकी पूंजीकार जॉर्ज सरोस की टिप्पणी की सख्त शब्दों विच निंदा की। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे सकत्तर पूर्व चंद्रा अनुसार सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करन दी योजना बना रही है। एफसीआई वालों कणक दी घरेलू सप्लाई वधाउण दे यतना नाल बाजार विच आटे दीआं कीमतां विच कुछ गिरावट। ते भारत खिलाफ दूजे क्रिकेट टेस्ट मैच विच आस्ट्रेलिया ने पहली पारी विच 263 दौड़ां बनाईआं। हुण खबरां विस्थार नाल। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते कीती गई अमरीकी पूंजीकार जॉर्ज सरोस की टिप्पणी की सख्त शब्दों विच निंदा कीती है। पार्टी की सीनियर आगू ते केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अज नवी दिल्ली विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि अजिहीआं ताकतां भारत विच अपना असर वधाउण लई सरकार नूं नीवां दिखाउण दा यतन कर रहीआं ने। उन्हें कहा कि सरोस ने भारत की लोकतंत्रिक प्रक्रिया विच दखल करन संबंधी अपनी बदनीयती दिखाई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि सरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड नूं तोड़िया अते उसके देश ने उसनू आर्थिक जंग अपराधी नामजद किया है। उन्हें कहा कि हुण सरोस भारतीय लोकतंत्र नूं नुकसान पहुंचाना चाहता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि सरोस एक अजिही सरकार चाहता है जिहड़ी उस दीआं गलत योजनावां नूं कामयाब करन विच मददगार होवे। स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत विच लोकतंत्र मजबूत है अते अगे वी रहेगा। जेकर कोई ताकत अपनियां साजिशां नाल इस नूं कमजोर करन दा यतन करेगी तां उस नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अगवाई विच भारत दी ताकत दा सामना करना पवेगा। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार ये कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम बजट 2023-24 विच यकीनी किया गया है कि अर्थव्यवस्था ने जड़ी विकास रफ्तार पहला तो हासिल कर रखी है वह ना रुके। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर विच आज हितधारकों नाल बजट मगरों हुई चर्चा विच हिस्सा लैंदिआं उन्होंने यह गल आखी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास की रफ्तार बनाए रखने के मंतव नाल बजट विच ना सिर्फ पूंजीगत खर्च लई 10 लाख करोड़ रुपए रखे गए ने बल्कि सूबियां नूं पूंजीगत जायदाद बनाउण विच वधेरे रकम देण ते भी जोर दिता गया है। उन्हें कहा कि देश के MSME सैक्टर का भी बजट विच ध्यान रखा गया है। इन दिस बजट एज वेल फॉर एनी फेलियर to attend to services or goods as per contract signed with the government. If there has been a failure in completing the service as is agreed in the contract, MSMEs have been given almost 95% waiver in that their guarantees will not be included or invoked. And that would give them a relief even if they had failed to fulfill the contract as signed with, let us say, the government or government agencies in the union government's case. So only 5% would be retained and the rest 95 of the securities which they've given will all be released. सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे सकत्तर पूर्व चंद्र ने कहा कि अपनी मौजूदगी वधाउण लई सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करन दी योजना बना रही है। नवी दिल्ली विच एक समागम नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म समय की जरूरत है क्यों जो इस कोल लाइब्रेरी विच पई समगरी बेहद महत्वपूर्ण है। अपूरव चंद्र ने कहा कि हुण लोकां दी पसंद बदल गई है अते लोक हुण अपनी पसंद की समगरी ही देखना चाहते ने। ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स ओन द आर्काइवल कंटेंट विच प्रसार भारती इट इज द ओनली रिपोजिटरी ऑफ whatever was created in the country before the 90s. The archival content of Prasar Bharati is unmatched and it has huge value.
but we have not been able to monetize that, and we need an OTT platform for that. Even now we are creating serials, especially the Swaraj serial, which was launched by the Honorable Prime Minister on the 14th of August. But now it is going only on linear TV, and the public preference has shifted. People want to see at their convenience on an OTT platform. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ਰੁੜਕੀ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਨੇ ਸਨ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 120 ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ FCI ਨੇ ਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 3.85 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਏ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ FCI ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ 1060 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ OMSS ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਣਕ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਲਈ 2,150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,125 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਏ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਟਿਕਰਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਯਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अटल टिंकरिंग लैब हमारे स्कूल में जो खुली है, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुई है। पहले हमारे पास बहुत टाइम होता था पर हम कुछ करते नहीं थे। अभी अटल टिंकरिंग लैब की वजह से हम नए नए इनोवेशंस पर ध्यान दे रहे हैं। पहले हमारे पास काफ़ी टाइम होता था तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अब अटल टिंकरिंग लैब की वजह से हम अपने इनोवेशंस कर सकते हैं। अभी तक हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हमने एक ब्लूटूथ कार बनाई जो फ़ोन से कंट्रोल हो सकता है, और एक साउंड प्लेबैक मॉड्यूल बनाया। मैंने मैगजीन्स वगैरह में हमेशा 3D प्रिंटर देखा था, बट ATL लैब में उसको ऑपरेट करना और उसकी वर्किंग समझना मेरे को बहुत ही बेनिफिशियल और अच्छा लगा। खोज दे नवे मौके मिलन ते विद्यार्थी खुश ने अते साइंस विच उना दी रुचि होर डूंगी हो रही है। मैंने अपना यहाँ पर ATL लैब में कई सारी चीज़ें करनी थी कि जैसे कि टेलीस्कोप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे दूर की चीज़ें कैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि दूर के ग्रह देखना और कई सारी चीज़ें। वैसे ही ड्रोन को कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके सर्किट्स, उसको सैम्पलिंग कैसे करते हैं वो सीखा। जब मैंने किताब में अपनी फोर्स स्ट्रोक इंजन बारे में पढ़ा तब मुझे उसके बारे में उतना अच्छे से पता नहीं चल पाया, पर जब मैंने स्कूल की लैब में फोर्स स्ट्रोक इंजन देखा मुझे हर स्ट्रोक के बारे में अच्छा पता चल गया। इस लैब की मदद से हमें काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली है और मैं इस चीज़ का अपने प्रिंसिपल और भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने ये अटल टिंकरिंग लैब में ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग कार बनाई है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को यूज़ करते हुए। इसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज़ किए हैं जो सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल आता तो ये कार अपना पाथ चेंज कर लेती है। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सतवंत कौर पुलर अनुसार ये लैब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रेष्ठ भारत के सुपने को साकार करने में मददगार बन रही है। भारत श्रेष्ठ तभी बन सकता है जब हमारे विद्यार्थी जो है वो श्रेष्ठ हैं। अटल टिंकरिंग जो लैब है इसके लिए बहुत बड़ा एक रोल जो है वो अदा कर सकती है, और जो बच्चे हैं जो स्टीम एजुकेशन है
कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को, हम अपने आर्ट्स को, हम मैथ को, हम इंटीग्रेटेड जो है एक एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे पाएँ, कि कोई भी एक सब्जेक्ट अलग से नहीं बल्कि सारे के सारे जितने विषय हैं उनकी एक अच्छी इंटीग्रेशन हो। और हमारे बच्चे जो है ना वो सब कुछ श्रेष्ठ बात तभी बनेगा जब हमारे बच्चे जो हैं वो सब कुछ अपने देश में बनाएं, वो नौकरियां देने वाले बने ना कि नौकरियां लेने वाले वो बने। यकीनन इस लैब नाल विद्यार्थियों नू साइंस बारे अपनी रुचि वधाउन दा जिथे मौका मिल रहा है उत्थे वो खाली समय विच वी वख वख मुद्दियां ते अपनी खोज दे यतन अगे वधा रहे ने। अश्नी कुमार नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। अग्निपथ स्कीम हेठ अग्निवीर ते थल सेना दियां सारियां श्रेणियां लई जलंधर ते भर्ती जोन हैडक्वार्टर वलों पंजाब दे सारे जिलियां ते जम्मू कश्मीर तों फौजी भर्ती संयुक्त दाखला इम्तिहान लई ऑनलाइन अर्जियां मंगियां गईयां ने। इस लई अणव्याय मर्द ही अप्लाई कर सकते ने। जनरल ड्यूटी तों इलावा कलर्क, स्टोरकीपर अते तकनीकी वर्ग वास्ते भी अर्जियां दित्तियां जा सकदियां ने। ऑनलाइन अर्जियां 15 मार्च तक स्वीकार कीतियां जाणगियां। भारतीय फौज विच भर्ती पूरी तरह मैरिट के आधार पर की जाती है। उम्मीदवारों को टाउटां तो दूर रहने की सलाह दी जाती है और इस भर्ती लई किसी नूं कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। भारत ते आस्ट्रेलिया विचाले बार्डर गवास्कर ट्राफी के नवीं दिल्ली के अरुण जेतली क्रिकेट मैदान से अज शुरू हुए दूजे क्रिकेट टैसट मैच में आस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 263 दौड़ां ते सिमट गई। इस दे जवाब विच खेड खत्म होने समय तक भारत ने बिना किसी विकट के 21 दौड़ां बनाईयां सन। रोहित शर्मा 13 ते KL राहुल 4 दौड़ां बना के क्रीज ते ने। सवेरे टॉस जीत के आस्ट्रेलिया के कप्तान ने पहला खेडन का फैसला किया पर उसके बल्लेबाज कुछ ज्यादा नहीं कर सके। ओपनर उस्मान खवाजा ने सब तो वध 81 दौड़ा बनाईया जबकि पीटर हैंसबकोव 72 दौड़ा बना के नॉट आउट रहे। भारत वालों तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी ने 4 विकट लए जबकि अश्विन ते जडेजा ने 3-3 खिडारियों आउट किया। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक RNUDDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज से, ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। ते बुलेटिन दे अखीर विच चोन मियां खबरां एक बार फिर तो। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते अमरीकी पूंजीकार जॉर्ज सरोस की टिप्पणी की सख्त शब्दों विच निंदा की। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे सकत्तर पूरब चंद्र अनुसार सरकार OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना बना रही है। FCI वालों कणक की घरेलू सप्लाई वधाउण दे यत्नां नाल बाजार विच आटे दीआं कीमतां विच कुछ गिरावट। भारत खिलाफ दूजे क्रिकेट टैसट मैच में आस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 दौड़ा बनाईया। इस खबर का बुलेटिन खत्म होया, इजाजत दियो, नमस्कार।